हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मेजर कमेटीज़। ठीक है, सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन सी ऐसी मेजर कमेटीज़ थी जिनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। मैं आप लोगों को कल बता रही थी, मतलब जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 389 मेंबर्स जो थे वो पार्टीशन से पहले थे और 299 मेंबर्स जो थे वो कब थे? आफ्टर द पार्टीशन। ठीक है, और उसके बाद ये जो मेंबर्स थे 299 मेंबर्स जो थे 299 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेंबरशिप कब की थी? आफ्टर पार्टीशन। और पार्टीशन के बाद क्या किया गया? पार्टीशन के बाद यही जो मेंबरशिप थी उन मेंबर्स को डिफरेंट कमेटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ताकि अलग अलग तरह के प्रोविजंस को फॉर्म करा जा सके और अलग अलग तरह के प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में इंसर्ट किया जा सके। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बताया गया, फर्स्ट जो कमेटी थी उसका नाम था यूनियन पावर्स कमेटी। ये जो कमेटी थी वो जितनी भी सेंट्रल लेवल की पावर्स थी उनके बारे में स्टडी करना था इसको कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस डालने हैं उसमें सेंटर के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी और इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कौन थे? यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरपर्सन थे, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन पावर्स कमेटी। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कमेटी जो थी जिसका नाम था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब ये क्या था, ये ऐसी कमेटी थी जो यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब फॉर्मेशन की बात कर रही थी और उसको ज़्यादा पावरफुल बनाने की बात कर रही थी। और इसके भी चेयरपर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड जो थी, थर्ड कौन सी थी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मतलब क्या हुआ, जिन स्टेट्स के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसे इस कमेटी को कौन देख रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कौन सी कमेटी की टेक केयर कर रहे थे, कौन सी कमेटी के मतलब सुपरविज़न कर रहे थे, किनके कौन सी कमेटी इनके कंट्रोल में थी? वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रोल में थी। एंड द फोर्थ कमेटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी, दैट इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिसने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया वो यही कमेटी थी जिसके बेसिस पर हम लोग भीमराव अम्बेडकर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में कौन सा इवॉल्व हुआ था। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो यूएसए ने इवॉल्व किया था। यूएसए ने फॉर्म किया था, कब फॉर्म किया था बच्चे? 1787। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1787, मतलब 1787 डेट है, ये मेंशन कर लो आप लोग कि फर्स्ट वर्ल्ड का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब फॉर्म हुआ? 1787 में। और सबसे पहले किसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया? यूएसए ने, जो कि आज के टाइम पर जिसको सुपर पावर कहा जाता है। क्लियर है, और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके चेयरपर्सन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ कमेटी जो है उसको एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़। अब ये जो कमेटी थी वो हमेशा एडवाइजेस पे करती थी, किसके बेसिस पर? फंडामेंटल राइट्स कि हम लोगों को बताया जाता था इस कमेटी के द्वारा कि कौन सी सेक्शन के पास, मतलब कौन से वर्ग के पास क्या होनी चाहिए, कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, उनको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए, और माइनॉरिटीज़ के पास कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, ट्राइबल्स के पास किस तरह के राइट्स होने चाहिए, कौन से एरियाज़ जो हैं उनको एक्सक्लूड करना है, कौन सी कैटेगरी जो है उनको जनरल में रखना है, कौन सी कैटेगरी को मतलब ज़्यादा प्रॉफिट देना है, ये सारी चीज़ें जो थी वो कौन सी कमेटी में आ रही थी? एडवाइजरी कमेटी में आ रही थी। क्लियर है, और उसके बाद ये जो एडवाइजरी कमेटी थी उनके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और आप लोगों के लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड ऑल्सो एक्सक्लूडेड एरियाज़ की कमेटी जो थी उसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। और अब इसके बाद कुछ और कमेटीज़ थी, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? सिक्स कमेटी कौन सी है? यहाँ पर सिक्स है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब ये जितने भी प्रोसीजर्स लिए जाते हैं, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं रूल्स और रेगुलेशन की फॉर्मेशन की, उनकी टेक केयर कौन कर रहा था? उनको कौन सुपरवाइज कर रहा था? उनको सुपरवाइज कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट भी माने जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद सिक्स कमेटी जो है, जो मेजर कमेटी है, वो कौन सी है? स्टेट कमेटी। ठीक है, मतलब ये ऐसी कमेटी थी जिसमें स्टेट्स जो हैं वो क्या कर सकती थी? निगोशिएट कर सकती थी, बातचीत कर सकती थी अपनी स्टेट की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। ठीक है, स्टेट में कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पता है कि स्टेट लिस्ट जो मेंशन करी गई है वो भी कहीं ना कहीं स्टेट कमेटी के अंडर ही थी वो। और स्टेट कमेटी की सुपरविज़न जो थी वो किसके अंडर थी? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी जो कि लास्ट कमेटी थी मेजर कमेटी में से, तो स्टीयरिंग कमेटी के प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। ये एट कमेटीज़ हैं जिनके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ अनदर माइनर कमेटीज़ भी हैं जिनके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोग माइंड में रख लो तो कुछ बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ माइनर कमेटीज़ कौन कौन सी हैं यहाँ पे? कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जीवी मालवनकर। ठीक है, तो ये कुछ कमेटीज़ हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म होने हैं, उनको कौन देख रहा था? जीवी मावलंकर जो थे वो चेकआउट कर रहे थे उनको। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, हाउस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर उसके बाद एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। ठीक है, इसकी टेक केयर कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, और इस तरह से कुछ और भी वेरियस कमेटीज़ फॉर्म करी गई थी ताकि क्या किया जा सके, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मिलूंगी एक और लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।